बिग बॉस 17 के विजेता मुनव्वर फारूकी की दूसरी शादी से चमकी किस्मत। अचानक होने लगी छप्पर फाड़ पैसों की बारिश, हासिल कर ली इतनी बड़ी उपलब्धि, फैंस में भी खुशी की लहर। कभी आयशा और नजला के चक्कर में बदनाम हुए थे मुनव्वर फारूकी, कभी लगा धर्म का मजाक उड़ाने का आरोप। इन सब के बीच नहीं रुकी मुनव्वर की ग्रोथ, बर्तन बेचने वाला बन गया है कई करोड़ों का मालिक। कितना कमाते हैं, कितना उड़ाते हैं, कितनी आलीशान जिंदगी जी रहे हैं बिग बॉस विजेता मुनव्वर फारूकी। कौन सी मिल गई है बड़ी उपलब्धि जिसकी वजह से फिर हो रही है चर्चा। बिग बॉस विजेता मुनव्वर फारूकी जमीन से आसमान तक का सफर करने वाला एक नाम है। जो कभी बर्तन की दुकान पर बर्तन बेचने का काम करते थे, वो आज इतने धनवान हो गए हैं जिसका आकलन खुद मुनव्वर फारूकी ने कभी नहीं किया होगा। कभी आयशा से प्यार और नजला के चक्कर में बदनाम मुनव्वर फारूकी अब रातों रात तरक्की की सीढ़ी चढ़ रहे हैं। हर दिन फारूकी कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से उनके फैंस के बीच चर्चा शुरू हो जाती है। बता दें कि बिग बॉस जीतने के बाद मुनव्वर फारूकी लगातार बॉलीवुड के बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ दिखाई दे रहे थे, जिसके बाद कहा जा रहा था कि जल्द ही मुनव्वर बॉलीवुड की फिल्मों में नजर आएंगे, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। लेकिन मुनव्वर फारूकी ने बिग बॉस 17 जीत के बाद कई म्यूजिक वीडियोज बनाए, जिसकी वजह से मुनव्वर फारूकी की तरक्की दिन ब दिन होती गई। लेकिन इस बार फारूकी ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से लोग उन्हें बॉलीवुड के अभिनेताओं की लिस्ट में देखने लगे हैं। तो चलिए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि मुनव्वर ने ऐसा क्या किया है जिसकी चारों तरफ चर्चा हो रही है। पॉपुलर स्टैंडअप कॉमेडियन और बिग बॉस 17 के विनर मुनव्वर फारूकी ने मुंबई में शानदार अपार्टमेंट खरीदा है। एक तरफ जहां मुनव्वर पिछले कुछ समय में किसी न किसी विवाद में फंसे, दूसरी ओर करियर में तरक्की कर रहे हैं। बिग बॉस 17 जीतने के बाद से तो उनके सितारे बुलंदियों पर हैं। अब उनके नए अपार्टमेंट की चर्चा है जो उन्होंने वडाला स्थित न्यू कफ परेड में खरीदा है। ई टाइम्स रिपोर्ट के मुताबिक मुनव्वर फारूकी के इस नए अपार्टमेंट की कीमत 6.09 करोड़ रुपए, इसकी जानकारी स्क्वायर यार्ड्स ने दी है। मुनव्वर ने यह अपार्टमेंट एक हाई राइज बिल्डिंग में लिया है जिसमें फिलहाल कंस्ट्रक्शन चल रहा है। स्क्वायर यार्ड्स का जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उनके मुताबिक अपार्टमेंट 1767.97 स्क्वायर फीट में फैला है। इसमें 3 पार्किंग स्पेस हैं। मुनव्वर फारूकी ने इस अपार्टमेंट का रजिस्ट्रेशन 16 सितंबर 2024 को करवाया था। इसके लिए उन्होंने 30,000 रुपए के साथ 36.6 लाख रुपए के स्टाम्प शुल्क का भुगतान किया। जिस बिल्डिंग में मुनव्वर का यह नया अपार्टमेंट है उसमें सारे अपार्टमेंट्स 3 BHK और 4 BHK हैं और हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। मुनव्वर फारूकी की नेटवर्थ और संपत्ति की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक ये 6 करोड़ रुपए स्टैंड अप कॉमेडियन, रियलिटी शोज, म्यूजिक वीडियोस, ब्रांड एंडोर्समेंट और यूट्यूब से मुनव्वर ने काफी मोटा पैसा कमाया है। बिग बॉस 17 जीतने पर उन्हें 50 लाख रुपए मिले थे। बताया जाता है बिग बॉस 17 में रहने के दौरान उन्हें रोजाना 7 से 8 लाख रुपए फीस मिली थी। अगर इसमें प्राइज मनी को जोड़ दिया जाए तो पूरे सीजन में उन्होंने 1.7 करोड़ रुपए कमाए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुनव्वर फारूकी एक स्टेज परफॉर्मेंस के लिए 1.5 से 2.5 लाख रुपए चार्ज करते हैं। वह इंस्टाग्राम पर एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट के लिए उनकी कीमत 15 लाख रुपए। आपको बता दें कि मुनव्वर फारूकी का विवादों से गहरा नाता रहा है। फारूकी के ऊपर कई बार धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा है। इसके साथ साथ मुनव्वर फारूकी को जेल भी जाना पड़ा। यही नहीं, बिग बॉस 17 में मुनव्वर फारूकी के ऊपर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आयशा खान के साथ धोखा देने के आरोप भी लगे। आयशा खान और मुनव्वर फारूकी दोनों की प्रेम कथा सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी, जिसके बाद आयशा खान सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ी इन्फ्लुएंसर भी बन गए। वहीं मुनव्वर फारूकी की बदनामी के बाद भी TRP बढ़ी है। मुनव्वर फारूकी की तरक्की पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट करके जरूर दें।